इस व्यू की हम बात कर रहे थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ कि वो व्यू क्या है। ये हम निकले अभी अपने कैबिन से, ठीक है। ये हमारी कार खड़ी हुई है, ये मैं अपनी कॉफ़ी लेकर के जा रही हूँ क्योंकि व्यू के सामने कॉफ़ी पीऊँगी, और बस वो रही वो रिवर, रिवर ट्राउट, ट्राउट रिवर। और ये वो झूला है जिसकी मैंने आई थिंक कोई क्लिप डाली थी या फिर अपने इंस्टाग्राम पर स्टोरी डाली थी। अगर आप मुझे और कमान को इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं करते तो आप कर सकते हैं। और आज मैं इसी व्यू के साथ बैठ करके अपनी प्यारी सी कॉफ़ी पीने वाली हूँ। इतनी बढ़िया ठंडी ठंडी सी हवा चल रही है ना, वाओ, इट्स सो सेरेन, सो पीसफुल। ये देखिए, और बस कुछ भी नहीं है, यही हमारा कैबिन है। और ये रिवर ना पूरे ही टाउन में, अक्रॉस दी एंटायर टाउन बहती है, तो आप कहीं पर भी जा रहे हो ना, आपको ये पानी की आवाज़ सुनाई देती है। जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने, हमारा ब्रेकफास्ट का स्पॉट वही जो आपने कल देखा होगा। और मैं लेके जा रहा हूँ कॉफ़ी, यामिनी ने अपनी कॉफ़ी पी ली है, तो ये है हमारी मैगी माइक्रोवेव वाली। और बस थोड़ा सा इंस्टाग्राम के लिए, गाइस इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए हमें, प्लीज प्लीज, अपडेट्स बहुत जल्दी जल्दी डालते हैं। हाँ, उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, एटलीस्ट एक दिन का डिले हो जाता है, वीडियो अपलोड करने में टाइम लगता है, तो हम मोस्टली मतलब इंस्टा में स्टोरीज पहले डाल देते हैं, तो आपको पहले से पता रहेगा क्या आने वाला है। ये देखिए गाइस व्यू, ये देखो ये फोटो खींच रही है इंस्टा के लिए। देखो यहाँ पे चेयर्स पे लगे हुए हैं, और वहाँ पे थोड़ा क्या बोलता है, तब तक मेरी कॉफी ठंडी हो जाएगी यार। इधर एस्थेटिक गाइस, देखो पीछे कितना बढ़िया सा येलो येलो ट्री दिख रहा है, और पीछे ना थोड़ा जंगल टाइप का है, तो कल यहाँ पे लोग वो खेल रहे थे बेसबॉल। तो अगर आप लोगों ने टॉयलेट देखी है तो उसमें वो नहीं खेलते बेसबॉल दूर दूर से, तुम्हारे इंस्टा पे 400 लोगों ने लाइक कर दिया उसको। गुड, मैं दिखाता हूँ आपको रिवर, रिवर की आवाज़ भी आ रहेगी आपको, सन 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 सन। देखो ये यहाँ से आ रही है, थोड़ा मैं जूम करता हूँ उसको, ये इसका सोर्स है, देखो ये देखो भाई, अब ये है, देखो पानी वहाँ से जा रही है, तो वहाँ पे केव टाइप की दिख रही है आपको। तो यहाँ अंकल बता रहे थे कि कभी कभी पानी का लेवल इतना बढ़ जाता है कि वो सामने जो पत्थर दिख रहा है जिसमें हमने जूम किया हुआ है, ये तो पूरा कवर हो जाता है। यहाँ से ना रास्ता भी नीचे जाने का, फॉलो कर लो मैं इंस्टाग्राम पे, देखो इतनी मेहनत कर रहा है रील बनाने के लिए, पता नहीं कहाँ तक चला गया। अब देखना, अब देखो कैसा है पानी, बहुत ठंडा है, डुबकी मारनी है, मार लो। तो ब्रेकफास्ट हमारा हो चुका है, अब हम सोच रहे हैं थोड़ा अंदर बैठते हैं थोड़ी देर, और शाम को, हाँ शाम को ड्राइव करेंगे, फिर आपको दिखाते हैं कहाँ जा रहे हैं हम। तो स्टे ट्यून्ड, हाँ मशरूम दिखेगा नहीं है ना? दिखाने में तो बहुत हो जाएगा। ये गाइस छोटा सा मशरूम है, ये वो वाला जो हम जा रहे हैं गाइस स्टोक के लिए, मेरा ना नेटवर्क नहीं चल रहा था, बिल्कुल ही नेट नहीं आ रहा था, मैंने ऑफिस की एक कॉल दी, प्रेजेंटेशन मुझे देनी थी, कॉल लेनी पड़ रही है यहां पे गाइस, मैं तो गाड़ी में भी नहीं चलाया, मेरी प्रेजेंटेशन थी, मुझे ना उसको रीशेड्यूल कराना पड़ा, वो कल देंगे। तो हमने ओनर को बोल दिया, भैया आ करके आप नेट सही करो, हमारे पीठ पीछे हम जब आए तो कल मेरी कॉल्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, तो मुझे लगा कि अभी जो टाइम है इसको बर्बाद नहीं करते हैं, जो हमें टाइम मिला है बड़े किस्मत से मिला है, तो हम चलते हैं स्टो, तो हम जा रहे हैं स्टो घूमने के लिए, देखते हैं क्या है, देखते हैं वहाँ पे फॉल है या नहीं, कलर्स है या नहीं। वहाँ पे हम एप्पल साइडर डोनट खाएंगे, अगर मिल गया तो कुछ खाएंगे पियेंगे, खाना वाना खाएंगे और फिर आ जाएंगे वापस, इतना करना है बस। ओके बाय गाइस, सी यू सून।
जा रहे हैं स्टो की तरफ। कुछ गड़बड़ी हुई थी अभी बीच में, बताएंगे आपको। यामिनी बहुत अपसेट है, कोई बात नहीं। ये वाला रास्ता देखो एकदम प्रॉपर, दोनों साइड से पेड़ हैं और पतली सी रोड, तो कलर है ही नहीं। हाँ पतझड़ तो हो यार, यहाँ बारिश हुई थी तो बारिश की वजह से मेरे ख्याल सारी पत्तियां गिर चुकी हैं। साइड व्यू पूरा गांव है, खेती वेती करते हैं लोग यहाँ पे। अरे वो यार उसने वो बोला नहीं था कि हाईवे 51 लेना है, दैट्स अ दैट्स अ हाईवे, पता नहीं कहाँ। चलो कोई बात नहीं, अभी दिन में तो चला सकती हूँ। तो आने वक्त भी तो इसी रास्ते से आएंगे हम लोग। आने वक्त तो इसी से ही आएंगे, अंधेरे में उस दिन जैसे ही चले। से कॉल आ गई थी तो हमने एक जगह फिर गाड़ी रोकी, कमांडो की कॉल लेनी थी। तो बस मुझे लगा आपको एक बार नज़ारा दिखा दूँ कि कैसा लग रहा है यहाँ पे। वो वन पे दिखाती हूँ, ऐसा लग रहा है, कलर्स ऐसे हैं, ठंड बहुत ज़्यादा है आज, फिर से क्लाउडी है। ओफो, इतनी तो हम प्रिपेरेशन थी तो हम प्रिपेरेशन से भी नहीं आए थे। मैंने ना उस टाइम टेम्परेचर देखी थी, जब मैं न्यू जर्सी में थी तो टेम्परेचर 24 डिग्री 25 ऐसे दिखा रहा था। तो हम तो सोचे थे कि स्वेट शर्ट भी नहीं पहननी पड़ेगी, ड्रेस वगैरह लेकर के आई थी मैं। और यार यहाँ पे ना जो एक दो स्वेटर है वही रोज़ रोज़ पहनने पड़ रहा है, कुछ है ही नहीं। जैकेट भी नहीं है जो मोटी वाली ना, जो विंटर जैकेट्स होती है, कि एक्चुअली मौसम तो विंटर जैकेट्स का ही हो रहा है यार। बारिश क्या फ़ायदा है बिना इंटरनेट के ऐसे घूम रहे, बताओ। ये देखो गाइस, सुंदर सी जगह है। मेरा मैनेजर ना डांटता मुझे, उसको पता चलेगा कि ऐसे घूम रहा है, उसको नहीं पता है मैंने, मेरा भी किसी को नहीं पता है कि मैं घूम रहा हूँ। जो एक मुझे फॉलो करता है उसका स्टोरी से वो कर रखा है। एक्चुअली गाइस मेरी टीम चेंज हो गई ना, तो फिर उतना उतनी डिटेल्स नहीं बताते। पुराने वाले मैनेजर को तो मैं बताता था। तो अभी फ़िलहाल मैंने बोला है कि मेरे अपार्टमेंट में इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो वापस आके काम करना पड़ेगा, मतलब अगर नेट चल गया तो, वरना कार में बैठ के तो कर ही लूँगा। कार में चल रहा है लेकिन रूम में नहीं चल रहा यार, बहुत स्ट्रेंज है भाई। कल उसको सुबह 7 बजे से चलना पड़ेगा, मेरी कल इम्पोर्टेंट कॉल है। सुबह उठ जाता है यार वो, बीएनबी वाले ओनर कह रहा हूँ, सुबह चल उठ जाता है वो, बहुत उठ जाता है। हाँ राइट साइड का फोन फ्री है अभी, चल गया स्टार्ट तो कर दो जाके। हाँ चलते स्टो ही चलते जाके, कहीं नेट चले बस, हो गया मेरा। अरे पहुंचने में यार कितना, आधे घंटे सवा पौने पांच जगह, उसके बाद क्या तुम्हें वो करना है? अरे नहीं यार मेरा मैसेज डिलीवर हो जाना चाहिए, पता चला मैं वहाँ एक घंटे के बाद मैसेज डिलीवर हो रहा। तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं वहाँ पहुँचेंगे ना कहीं, तो नहीं लूँगा यार मैं वहाँ बैठ के, जो करना करना, वी विल बी रीच अगेन हाफ एन आवर। अभी है हम स्टो के रास्ते में, पता नहीं कौन सा हाईवे है। 15 माइल्स बचा हुआ है वैसे स्टो, स्टो माउंटेन रिसोर्ट, तो मैं वो भी ढूंढ सकता ना अपने रास्ते में। वहाँ पे तो वहाँ ना, यहाँ वो अमाउंट का बता ना कल की मेपल सिरप बहुत पॉपुलर है वहाँ पे ना, यहाँ मेपल जैसे विनियार्ड्स वगैरह होते हैं ना वैसे, यहाँ मेपल सिरप की भी फील्ड है, तो वहाँ पे आप जाकर के अपना फ्रेश मेपल सिरप ले सकते हो। बनता किसका वो यार? इट्स लाइक हनी, ओनली लेस कॉन्सेंट्रेटेड वर्जन ऑफ द हनी। इंस्टाग्राम पे भी, यूट्यूब पे भी, हर जगह फॉलो करो। रुको मैं इंस्टा बनाता हूँ। भाई साहब गाइस, हम ना स्टो रिसोर्ट आए हैं, स्टो माउंटेन रिसोर्ट, और ये इतना सुंदर बना रखा हुआ है ना, बस हम थोड़ा सा लेट हैं तो कैफ़े वगैरह आई थिंक बंद है, 2 बजे बंद हो जाते हैं। मेरा यहाँ से मन था कॉफ़ी ले लूँ, बट आई थिंक ये बंद है अभी, 2 बजे बंद हो जाता है यार। लिटिल लेट भी नहीं था,
ये इतना सुंदर है। सब कुछ ही बंद हो गया है ऐसा लग रहा है। सब यहाँ पे 2 बजे या 5 बजे तक बंद था। कमाना भी कार में ही अपनी कॉल्स ले रहा है। बोरिंग पर्सन मैं तो बोल करके आई हूँ। जब इंटरनेट नहीं चल रहा है तो फिर क्या बार बार कहाँ रोक करके थोड़ी कॉल्स दूंगी। तो मैंने तो अपनी सारी कॉल्स रीशेड्यूल करा दी थी कल के लिए। कल अब मैं काम करूँगी तो कल मैं उतना घूम नहीं पाऊँगी। तो मैं अकेले निकल आई हूँ कार से घूमने के लिए। देखती हूँ कुछ कॉफ़ी वगैरह मिल जाए की जगह खोज ली है। खैर तो यहाँ पर आई थिंक ओपन है। कमान को देखती हूँ जैसे उसका उसकी कॉल ख़त्म होगी ना वैसे जाएंगे कुछ खाने। भूख तो लगी रही है। ये देख लो थोड़े से कलर्स हैं, उतने तो हैं ही नहीं। अब जितने हैं उतने आप देख लीजिए गाइस। ये देखो हम पहुँचे हैं स्टो। कौन सी जगह है? अरे स्टो माउंटेन रिसोर्ट। स्टो माउंटेन रिसोर्ट। ये देखो गाइस वाओ, हम यहाँ बहुत अच्छा बना रखा हुआ है। मोस्टली चीजें बंद हो गई हैं, बस एक जगह शायद से इसमें डाइनिंग एरिया है वो खुली हुई है तो वहीं जा। विस्की बार दिख रहा मुझे वहाँ पे। बीटी बियर क्लोज्ड। क्लोज्ड यप। आई चेक ऑनलाइन। गाने चल रहे हैं तो बट दिस इज क्लोज्ड। ओह गाइस यहाँ पे देखो गेम्स भी हैं। जो से हमारे वहाँ घर के नीचे नहीं खेल रहे थे। फन एक्टिविटीज भी की हैं यहाँ पे, मतलब काफी कुछ अच्छा सा है। बट हम लेट है। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं? ये देखो ये फोटो बना, फोटो खींच रही है आमिनी सिंह। कॉर्न होल बोलते हैं ऐसे, कॉर्न होल। यहाँ से खड़े होकर तुम्हें इस वाले में होल में ये बॉल फेंकनी पड़ती है। तो आ गए खाना खाने के लिए। अंदर यही लॉज में ना एक कोई पब वो है, रेस्टोरेंट है अल्पाइन हिल करके है शायद से, वहीं आ गए खाना खाने के लिए। खाना तो इतना महंगा है, $40-40 की एक एक डिश है। लेकिन हमने जो मेन्यू में सबसे सस्ता था ना वही ऑर्डर किया। मैं और दिन नॉनवेज खाता हूँ। एक पास्ता आज एक कमान हर जगह नॉनवेज खाता है। इतना महंगा मेन्यू था कि बेचारे को वेज खाना पड़ा। हमने जो पास्ता ऑर्डर किया ना वो सबसे सस्ता था। और बाकी हमने सब साइड ऑर्डर किया। हमने मेन कोर्स तो ऑर्डर ही नहीं किया। अब घर जा करके रेडी टू ईट पाव भाजी वही खाएंगे। आज रोटी बनाएंगे आज, मतलब ऐसे कुछ जा करके वैसे कुछ बनाएंगे। तो बहुत ही सुंदर है। कमान बैठा है, देखो कितना बढ़िया लॉज के अंदर है ना, बहुत ही अच्छा बना रखा हुआ है। अब जो जब सुंदर बना रखा है तो इस चीज़ के पैसे ले रहे हैं। टहनाया हम लोग यूसी में टहनाया गया था भाई, इतना गजब एक्सपेंसिव था बट इतना बढ़िया था। टेस्ला के चार्जिंग स्टेशन थे, दे हैड एवरीथिंग। अंदर स्टारबक्स भी था। भाई क्या मतलब भाई क्या ये इवन ये वाला लॉज भी इतना अच्छा है ना करने के लिए, इतना कुछ है। देखो यहाँ पे जो सामने जो भी जगह बनी हुई ना यहीं पे कॉफ़ी, यहाँ पे जो इतनी भी जगह है यहीं पे कॉफ़ी प्लेसेस वगैरह भी हैं। और मतलब आपको विस्की वगैरह आप ख़रीद भी सकते हो। एक्टिविटीज़ भी हैं, गोंडोला राइड, जेंगा खेल सकते हो, वट एवर। दे हैव रियली नाइस एक्टिविटीज़ टू डू। दिया गया है ये चार टुकड़े पलेंटो फ्राइज़ हैं, ये नॉर्मल फ्राइज़ हैं, ठीक है। हर्ब्स वगैरह सब पड़ी हुई हैं। ये मेरा पति खाएंगे, ये पास्ता है। ब्रोकली नहीं, वो भी ले लेते हैं। जब इतना महंगा ऑर्डर किया तो रिकॉर्ड तो कर ही लेते हैं। इसीलिए मैं इसको ऑर्डर करने नहीं देती हूँ। इसने इतना खराब ऑर्डर किया, अब खाया भी नहीं जा रहा है। पेट भर गया मेरा। मैंने इतनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें ऑर्डर की थी ना, ये पास्ता, ओह गॉड दिस इज सो यमी। और ये फ्राइज और जो हमने ख़त्म किया वो भी बहुत अच्छा था। इसने एक चीज़ मंगाई, इसीलिए मैं इसे कभी भी ऑर्डर करने नहीं देती हूँ। इसने एक चीज़ मंगाई और उसमें भी ना मतलब ओफ पैसा बर्बाद। अब इतना खाया कैसे? कट भी नहीं रहा। गाइस देख लो ऐसा खाना करा है, ऑर्डर किया है कि ऐसा मुंह बना बना करके ऐसा खाना पड़ रहा है। हेल्दी खाना है हमारा। डिनर या स्नैक्स? डिनर तो नहीं था, मतलब डिनर ही था भाई। बहुत हाँ, मतलब था, हेवी था। हमने इसे ऑर्डर किया, हमें लग रहा था हम सस्ते में साइड्स ही बस ऑर्डर कर रहे, लेकिन वो सब इतना ज्यादा है। साइड्स बहुत हेवी थे भाई। इवन पास्ता, इट वाज सो पास्ता तो बहुत ही टेस्टी था। हम लोगों ने पैक करा लिया, नहीं कर पाए पूरा। रूम में पहुंचने के बाद से खाएंगे उसको। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी तो खैर रात हो गई है, 7:15 बज रहे हैं अभी। पूरा 35 माइल है। जैसे ना समर्स में अंधेरा होता है 10:30-9:30 और अभी फॉल आने की देखो ये मतलब 6:45 पे यहाँ पे। हाँ अक्टूबर में मतलब जल्दी रात हो जाए, मतलब वो तो इंडिया में भी होता है, सेम ही चीज है। तो हम पहुंचेंगे अभी 35 मिनट्स में। पहुंच के फिर
रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग क्या है? अच्छा हाँ, ऑफिस का काम नहीं करना है, बस नेट चल रहा है। इंटरनेट नहीं चला था, हमने उधर को बोला, फिर अभी आकर के थोड़ा सा अपना इंटरनेट सही करेंगे। आई होप सही कर दें। यस चलो गाइस, ऐसी रोड है। अगर आप उत्तराखंड या हिमाचल गए होंगे तो आपने ऐसी हल्द्वानी पिथौरागढ़, मैं पिथौरागढ़ से हूँ, तो आपने ऐसी रोड देखी हुई होंगी। ग्रीन टी, हाँ इतने दिनों से मैं ग्रीन टी नहीं पी यार, लाए तो थे यार पीने, आलस यार आलस। ये देखो गाइस, खैर अब तक तो आपने सारे व्यूज देख लेंगे यहाँ तक के, मतलब जितने भी फॉल कलर्स थे, बहुत ही सुंदर रास्ता है। कल हम सोच रहे हैं फिर से आएंगे, और एक जगह है बीच में, कुछ बीच में एक जगह है, तो कल हम नेक्स्ट तक रोज आएंगे यार, सुबह उठना पड़ेगा, बस एक कष्ट है। जगते तो आएंगे, नहीं नहीं उठना पड़ेगा, क्योंकि गाइस दिक्कत क्या है कि देखो हम कल ही कल हैं और परसों हमको निकलना है, थर्सडे को हमारा चेकआउट है, अर्ली मॉर्निंग निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से हमारा 275 माइल है मेरे ख्याल से, तो हम मतलब चंक्स पे उसको करेंगे। पहले सोच रहे हैं, ले भैया बारिश आने लगी, कोई नहीं चलाते रहो।